अरे पिंटू भाई, बाजार चल रहे हो क्या? बाजार? बाजार क्या करेंगे? अरे भाई, कल करवा चौथ है ना, तो तुझे शॉपिंग नहीं करनी है तेरी घरवाली के लिए? ओह नो, करवा चौथ? कल करवा चौथ है? हाँ यार, तू क्या लाएगा तेरी घरवाली के लिए? अरे भाई, करवा चौथ के दिन क्या लेके आते? मैं मेरी घरवाली के लिए साड़ी लूंगा, बिंदिया लूंगा, उसके लिए चूड़ी लूंगा, उसके चप्पल लूंगा, जो मांगेगी वो सब कुछ दिलाऊंगा उसको मैं। तू नहीं दिलाएगा तेरी घरवाली को? अरे हाँ यार, ये मैंने तो सोचा ही नहीं। और साल में एक बार ही करवा चौथ आता है और अपने लिए भूखी प्यासी रहती है बेचारी। क्या करूँ यार, मेरे पास तो पैसे भी नहीं है। 10 रुपये रखे जेब में, अब 10 रुपये में क्या तो गिफ्ट आएगा, क्या उसकी बिंदी आएगी और क्या साड़ी आएगी। मैं काम करता हूँ, इससे मांग के देखता हूँ, कभी इसके पास ज़्यादा पैसे होंगे तो ये मेरी मदद कर सकता है, मैं इसको बाद में लौटा दूँगा। भाई, ये सब दिलाने की मेरी भी इच्छा है, लेकिन मेरे पास पैसे नहीं है यार। तेरे पास कुछ पैसे हो तो मेरी मदद कर दे, मुझे जैसे ही तनख्वाह मिलेगी मैं तुझे लौटा दूँगा यार, कर दे मदद। अरे यार पिंटू भाई, तू भी क्या यार, त्योहार के दिन पैसे मांग रहा मुझसे? मैं मेरे सेठ से ना उतने ही पैसे मांग के लेके आया हूँ जितने मेरी घरवाली की शॉपिंग करवा दूँ। मेरे पास नहीं है यार भाई। यार चल ठीक है भाई, तू जा बाजार, मैं आता हूँ मेरी घरवाली को लेके, उसको जो चाहिएगा वो दिलवाता हूँ मैं, है ना? तू चल। ठीक है यार पिंटू भाई, चलता हूँ यार, बुरा मत मानना यार, मेरे पास भी पैसे कम ही है यार, मैं तेरी मदद करता है यार भाई। अरे ठीक है यार, कोई बुरा मानने वाली बात नहीं है। हाँ यार भाई, देखना यार, चलता हूँ ना यार। क्या करूँ मैं, पैसे नहीं है, अब घरवाली को कैसे दिलाऊँ? एक काम करता हूँ, कोई काम ढूंढता हूँ, क्या करूँ। अरे हरिओम भाई। हाँ बोलो। तुमने मुझे परसों के दिन कुछ काम का बोला था कि कुछ काम करना आपका, तो मुझे बता दो, मैं वो काम कर दूंगा। मुझे पैसों की ज़रूरत है, आपका काम भी हो जाएगा और मुझे पैसे भी मिल जाएंगे। अरे हाँ यार, वो काम बचा है, चलो ना बताता हूँ, चलो। ये ईंटों का काम है। ईंटों का काम है? क्या काम है ईंटों का? इन सभी ईंटों को उठा के घर के पीछे रखना है। ठीक है भैया, आपका काम हो जाएगा, अभी करता हूँ मैं। हो गया काम सारा, अब पैसे ले लेता हूँ भैया से। हरिओम भाई। अरे हाँ। मैंने तुम्हारी सारी ईंटें जमा दी, अब मेरे को पैसे दे दो 500 रुपये। हाँ लो ना यार, तुम्हारे पैसे लो। धन्यवाद हरिओम भाई आपका। अरे यार, 500 रुपये में क्या होगा, अभी तो 2000 रुपये की और आवश्यकता है, जब ही साड़ी चूड़ी और बिंदिया सब आएंगे। चलो अभिषेक से लेता हूँ, अभिषेक उसके घर के सामने ही है। अरे अभिषेक भाई। अरे भाई, कल करवा चौथ है और मेरे पास पैसे नहीं है, 2000 रुपये की मदद कर दे यार, जैसे ही मेरी तनख्वाह आएगी मैं तेरे को दे दूंगा वापस। अरे यार पिंटू भाई, कैसी बात कर रहे हो यार, ले जाओ ना यार, दे देना आप तो। और चाहिए क्या? नहीं नहीं, मेरा काम हो जाएगा, धन्यवाद यार अभिषेक भाई, बहुत बहुत धन्यवाद। चलो ठीक है, 2000 रुपये मिल गए, 500 रुपये वहाँ से आ गए, 2500। अब मेरी वाइफ के लिए एक नंबर गिफ्ट लेके आऊँगा मैं, वो भी खुश हो जाएगी। साल भर में एक ही बार तो करवा चौथ आता है और मैं भी मेरी वाइफ के लिए उपवास रखूँगा। और छोटू बोल रहा था ना, वो तो 2000 रुपये लाया था, मैं 2500 का गिफ्ट लाऊँगा। ओह नो। हाँ भाई साहब, क्या चाहिए? भैया कोई गिफ्ट दो ना, आज करवा चौथ है, मेरी वाइफ को गिफ्ट करूँगा मैं। अच्छा वाइफ को देना है, ठीक है निकाल देता हूँ। ये वाला ले जाओ, मात्र 50 रुपये का आएगा। अरे नहीं यार भैया, दूसरा दिखाओ आप तो। अच्छा ठीक है, ये लो हमारी दुकान का सबसे सस्ता, मात्र 25 रुपये का। अरे भैया आप तो और सस्ता बता रहे हो, मैं तो आपको महंगा बताने का बोल रहा हूँ, क्योंकि वाइफ साल में एक ही बार करवा चौथ का उपवास करती है और वो अपना घर छोड़कर अपने लिए आती है, और हमारा बस इतना सा फर्ज नहीं बनता कि हम साल भर में उसे एक अच्छा सा गिफ्ट दे सकें। लोगों ने ऐसी मानसिकता बना रखी है कि करवा चौथ को एक है ना मजाक के रूप में लेने लग गए, एक पत्नी को कार्टून बना के रखा है लोगों ने, और हम मजे लेके सुनते हैं। Oh no.
हमारी पत्नी हमारे लिए दिन भर भूखी प्यासी रहती है। किसके लिए रहती है? हमारे लिए, ताकि हमारी लंबी उम्र हो। और दुनिया वाले क्या करते हैं? सिर्फ मजाक। मैं अपनी पत्नी को मजाक नहीं समझता। मेरी पत्नी मेरा सम्मान है, मेरी अर्धांगिनी है। अरे सॉरी यार भाई साहब, मुझे अपनी गलती का एहसास हो गया, मुझे माफ कर दो यार। एक अच्छा वाला गिफ्ट आया है, मैं वो आपको निकाल के देता हूँ। ये वाला ले जाओ, ये गिफ्ट करना अपनी वाइफ को, बहुत खुश हो जाएगी वो। हाँ ये हुई ना बात भैया, धन्यवाद। दोस्तों आप अपनी पत्नी को क्या समझते हैं, एक कार्टून या अर्धांगिनी? कमेंट जरूर करना। दोस्तों आप सभी को करवा चौथ की बहुत बहुत शुभकामनाएं, और अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक करना, एक प्यारा सा कमेंट करना और अपने दोस्तों में शेयर करना। और हाँ एक बात का जरूर ध्यान देना, अब किस गांव, किस जिले, किस प्रदेश से देख रहे हैं कमेंट में जरूर लिखना।